अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना है। इस वीडियो को जरा भी मिस ना करना, जिसमें हम सीखेंगे कि सुपर ड्रॉप शिपिंग को कैसे कनेक्ट करना है शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। इसका भाई बहुत ज्यादा फायदा है, इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा है। इससे हमें चीपेस्ट प्राइस मिलती है, ठीक है, चीप प्राइस मिलती है। अली एक्सप्रेस से भी ज्यादा अच्छा है ये, और उससे जो सीजे ड्रॉप शिपिंग है उससे भी ज्यादा अच्छा है। आते हैं इस टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है आज का, कि हाउ टू कनेक्ट सुपर ड्रॉप शिपिंग टू योर शॉपिफाई स्टोर टू इंक्रीज योर सेल। ठीक है, इसके साथ ये भी ऐड कर लेना। ठीक है, अब हमने करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने होम में आ जाना पड़ेगा, गूगल क्रोम में, जस्ट होम में आ जाना है। ठीक है, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, वीडियो नहीं पूरी वॉच करते, लेकिन तुम मुझे बड़ा ही अफसोस होता है, यकीन करो। इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे लगता है कि अब वीडियो पूरी वॉच करेंगे, अब करेंगे, कोई भी नहीं करता भाई। चलो इट्स ओके, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, होम में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है एप्स, यहाँ पे आपने एप्स लिख के ना सर्च कर देना, और ये एप्स में आ जाना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर आ जाना है। भाई जो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, वो किसी ने नहीं समझानी। लोग ऊपर ऊपर वाली बात बता देते हैं, अंदर वाली बातें नहीं बताते। मैं तुम्हें अंदर वाली बातें बताता हूँ, जिस स्टेप से मैं खुद गुजर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे एस यू पी, ठीक है, जैसे ही लिखोगे ना एस यू पी, यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग लिख देना है। तुम्हें ये आ गया ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ये चीज आ गई है। अब तुमने इसको ऐड कर लेना है, आपको ये देख सकते हो, ये आ गई तुम्हारे सामने। इसको 4.9 रेटिंग है, आप खुद देख सकते हो। सीजे की 4.8 रेटिंग है, इसकी 4.9 है। अब तुम खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। डेजर्ट्स की फुल है, क्योंकि अली एक्सप्रेस से सारे करते हैं। ठीक है, ये अभी न्यू मार्केट में टूल आया है, तो इसलिए इसकी अभी रेटिंग शुरू में ही 4.9 है। तो इसको क्या करते हैं, हमने ऐड ऐप पे क्लिक कर देना है जस्ट। ठीक है, ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ ये देखो, ऑडियो क्लीनर भी खोला हुआ है। आपको ऑडियो क्लीन करके साफ सुथरा लेक्चर देता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं पूरा वॉच करते। ठीक है, यहाँ पे क्या जाना है, यहाँ पे इसको बाद में इंस्टॉल ऐप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना। अब वो आपको कहेगा कि अकाउंट बनाना है भाई, क्या करना है, ये सारा कुछ आपको इसने पूछना है। ठीक है, पहले से अकाउंट नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे क्लिक कर देना है। जीमेल तुम लोगों का इसमें ओपन ही होगा, जाहिर सी बात है, तो एक अकाउंट आपने चूज कर लेना है, तो उसको बस चूज करके अकाउंट बता देना। नहीं तुम्हें पता लग रहा ना, तो तुम लोगों ने अकाउंट जीमेल पे लगा खोल लेना। ये मतलब कह रहे सक्सेसफुली ऑथराइज हो गया, गूगल डाटा ये सारा कुछ यूजर ने, और ये कह रहे पासवर्ड रखो यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ, एक यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड रख लिया। ठीक है, और इसको मैं बाइंड कर देता हूँ। ठीक है, बाइंड सक्सेसफुली हो चुका है ऊपर। ठीक है, अब देख सकते हो ये इसमें आ गया, मेंबर सेंटर में आ गया। ठीक है, इसको होने देते हैं, और यहाँ पे अब ये हमने लॉगिन करना है, ये आ चुका है इसमें। ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है वहां पे। अगर इसको मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ ना, तो देख लेते हैं, ये देख सकते हैं हो चुका है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपने ऑथराइज नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वेलकम आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे चल जाना है, गो टू डैशबोर्ड ट्यूटोरियल है, आपने गो टू डैशबोर्ड करना है। ठीक है, और इसको होने देना है। ठीक है, और ये आपका होम पेज खुल गया आ जाएगा, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब आपका आधे से ज्यादा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब इसका आपको फायदा क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको अब आप क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और ये देख सकते हैं। अगर हम आपने चेक करना है कि यहाँ पे मेरी ऐप आई है कि नहीं, आपने यहाँ पे वो लिख देना है, ये देख सकते हैं ऐप हमारी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अगर तुम इस पे क्लिक करते हो तो ये ऐप हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ये देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो चुकी है, वेलकम आया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह भी चेक कर सकते हो जाके। तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको यहाँ पे अब फर्ज करो कि मुझे कुछ चीज पसंद है, अली एक्सप्रेस पे जाता हूँ, ये देख सकते हैं अली एक्सप्रेस पे जाता हूँ, कोई भी चीज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, या तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ। फर्ज करो कि मुझे कुछ चीज पसंद आ रही है, को थोड़ा सा लोड होने दो, जैसे कि शर्ट मुझे पसंद आ रही है, इस पे क्लिक करूंगा। ये तुमने लिस्ट करनी है अपने पे, तुम्हें इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, इसके लिए बेस्ट सेलर चाहिए तुम्हें, तो किस तरह फाइंड करोगे, देख सकते हो। कोई प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लेनी है, तो इसमें सुपर डील्स वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वाचिस लिख देता हूँ, अपने रिलेटेड तुम्हें चीज बता देता हूँ, ताकि तुम्हारे ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि ये वॉच मैं खोल लेता हूँ ना, इससे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह ये टूल तुम्हारा काम नहीं करेगा। ठीक है, अब तुम्हें इसकी एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है, तुम्हें जाना है गूगल पे, यहाँ पे लिखना है जो है ये, इसका नाम ही लिख देना है सुपर ड्रॉप शिपिंग एक्सटेंशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन लिखोगे, इसको जस्ट तुमने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल गया, इसके ऊपर तुमने क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड कर देना है इसको जस्ट, ये ऐड टू क्रोम कर देना है। जल्दी कर रहा हूँ प्रोसेस, मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, बड़े जहीन हो। ऐड एक्सटेंशन कर देना, चेकिंग हो रहा है, और थोड़ी देर बाद ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो चुका है, हो गया है। ठीक है,
हैज बीन एडिड टू योर क्रोम, हो चुका है ऐड। इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। ये सुपर ड्रॉप शिपिंग हम देखते हैं, इसको हमने पिन कर देना है, जस्ट पिन कर दिया। ये अब यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल गया, ठीक है। रिमूव का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। अब क्या करना है, इसको तुमने बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अमेजोन भी खोल लेता हूँ, ठीक है। अमेजोन खोलने का मकसद ये है कि कोई भी तुम जा सकते हो प्लेटफॉर्म पे सुपर ड्रॉप शिपिंग को, मतलब उसका फ़ायदा तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे कि अमेजोन पर चल जाता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेता हूँ। जैसे कि मैं इस पर चल गया हूँ, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तुम्हें बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट सेलर ढूंढ के देगा ये वाला, जो है थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है आई थिंक, तो इसके एक्सटेंशन में चल जाते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे तुमने अब वो लॉग इन करना है यूज़र नेम और पासवर्ड से, ठीक है। अब देखो मेरा था, यहाँ पे अपना वो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल और वो जो पासवर्ड तुमने वहाँ पे लगाया वो लिख लेना, ठीक है। दो प्लेटफॉर्म खोल ली और ये लिख के दिखा दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं ये। अब इसको साइन इन कर लेना है, जस्ट कर लेना और ये साइन इन हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन इन हो चुका है, पेंडिंग सक्सेस फील्ड सब कुछ तुम्हें बता देगा, ठीक है। लॉग आउट का भी ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट तुमने क्या करना है, इसको रिफ्रेश कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है। अमेजोन पे जाना है, इसको रिफ्रेश कर लेना है एक दफ़ा। ये काम पहले भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बाद में इसलिए किया ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि पहले ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट खोल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं आईफोन कवर्स यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, आईफोन फोटो फोन मतलब के जो प्रो मैक्स है उसका फोन केस है जो, जैसे कि ये सर्च कर लेता हूँ। अब मैं इसको सुपर ड्रॉप शिपिंग को कहूँगा कि मुझे इसका बेस्ट सेलर ढूंढ के दो, जिससे मैं अपनी ड्रॉप शिपिंग कर सकूँ, ठीक है। अब इसमें भी मैं चल जाता हूँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमें फ्लोटिंग आइकन मिल गया, ये देख सकते हैं यार, यहाँ पे तुम्हें नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ना सोशल मीडिया और भी आया हुआ है। मैं इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को। हाँ अब देखो ये आ रहा है नज़र तुम्हें, सुपर ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं देख सकता हूँ अमेजोन पे मुझे ये अवेलेबल आया कि नहीं, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, अभी आ जाएगा, ये देख सकते हो। इसके ऊपर तुमने क्लिक कर देना है, ठीक है। और वो कह रहा है पोस्ट परचेजिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, और फाइंड बेटर प्राइस, फाइंड बेटर प्राइस पे तुमने क्लिक करना है और ये तुम्हें बेटर प्राइस के अंदर ये कैटेगरी दे देगा। इसमें से तुमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसको अपने प्रोडक्ट पे ऊपर लिस्ट कर लेना है, मतलब अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लिस्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये देख सकते हो, ये तुम्हें सारी उसने बेटर प्राइस दे दी है, ठीक है। अब ये देख सकते हो, इसको मैं क्लिक करके फाइंड बेटर प्राइस पे एक बार क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। फाइंड बेटर प्राइस पे क्लिक किया और ये सर्च कर रहा है मेरे लिए कि इसकी बेटर प्राइस कहाँ सी है। अब फिर वो कह रहा है कि यार थोड़ा सा ना मुझे लॉगिन वगैरह कर लो, थोड़ा सा तंग कर सकता है बार बार, तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी कर रहा हूँ, तो ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, शुगल मेला लगा के चलना चाहिए, ठीक है। लेक्चर को इन्जॉय करके देखा करो, सीखा करो, कुछ मुश्किल काम नहीं है, कुछ सारी दुनिया करती है, तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। दिल लगा के देखा करो लेक्चर को, थोड़ा सा टाइम लेक्चर लंबा होता है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। साइन इन कर लेते हैं इसको, बार बार मांग रहे थे कौन सी को, हमने कौन से कोई चक्की लगाई हुई है, या तो हम कोई काम कर रहे हैं वेली बैठे हैं, मांगी जाए वैसे 100 दफ़ा मांगे, ठीक है। अब ये देखो तुम्हें कह रहा है सर्च फॉर, इसके लिए उसने तुम्हें बेटर प्राइस सारे ढूंढ के दे दिए हैं। इम्पोर्ट का ऑप्शन आ गया अब तुम्हें, इसलिए अगर तुमने घड़ी करनी है कहाँ से निकाली है, यहाँ पे जाके जस्ट इम्पोर्ट करके तुम अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हो, ये देख सकते हो। कन्फर्म करके यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसको तुम इम्पोर्ट कर सकते हो। प्राइस इसकी $2 है सिर्फ, उसकी वहाँ पे अमेजोन पे कितनी है, सॉरी इस पे कितनी थी आ रही हमें, इस पे भी तकरीबन इतनी ही आ रही होगी, ज़्यादा नहीं आ रही होगी, ये तो उसका केस वगैरह लग रहा है मुझे। हाँ सही ऑप्शन है, सही प्राइस दी है इसने ऑफिशियल, ठीक है। प्राइस इसकी $2 है ऑफिशियल है जो, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू इम्पोर्ट दिस प्रोडक्ट, वो कह रहा है, ठीक है। इम्पोर्ट लिमिट्स है जो 10 है, ठीक है इसकी तुम्हारी, उसके बाद इसको कन्फर्म कर देना, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन पहले अमेजोन का भी तुम्हें दिखा देता हूँ, ये सुपर ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन मिल गया देखने को। ये परचेज इसकी रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो, हमने हमें क्या मतलब है, हमें बेटर प्राइस से मतलब है। फ़र्ज़ करो अब मैं गूगल पे जाता हूँ, मुझे अपने ना ये शॉपिफाई स्टोर के ऊपर एक घड़ी जो है वो लगानी है, और घड़ी मुझे पसंद आई है कोई, जैसे एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच कह लो तुम, मतलब कि कोई ना कोई भी कह लो यार, जैसे कि बेस्ट वॉचेज फॉर, जैसे कि बेस्ट वॉचेस फॉर मैन, ठीक है। यहाँ पे मुझे अपनी घड़ी लगानी है और यहाँ पे वो कह रहा है कि शॉप कर लो, ठीक है। अब तुम्हें घड़ियों की कैटेगरी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तुमने क्या करना है, जस्ट पहले वाली घड़ी खोली है, ये पहले वाली घड़ी खोली, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है। उसको क्या करना है, तुमने खोल लेना है
इसको बंद कर लेता हूँ, इसको भी बंद कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी कर लेता हूँ। तो तुमने क्या करना है, इसको घड़ी को खोल लिया। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि ये सुपर ड्रॉप शिपिंग को ऐड करने का मकसद क्या है। ये आ गया तुम्हारे पास, इसको तुमने क्लिक किया, फाइंड बेटर प्राइस किया। फाइंड बेटर प्राइस करने के बाद यहाँ पे फाइंड बेटर प्राइस कर दिया, और ये तुम्हारे लिए सर्च कर देगा कि कौन सी जो प्राइस है तुम्हारे लिए वो बेटर है, कौन सी तुम्हें प्रोडक्ट करनी चाहिए। जैसे कि इस पे जाता हूँ, फाइंड बेटर प्राइस, ये सिलेक्ट किया, फाइंड बेटर प्राइस कर दी, ठीक है। ये तुम्हें ले गया पेज पे, सर्च रिजल्ट दिखाएगा तुम्हें अब, और वो चीज़ तुम अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट करना, एडिटिंग करना और उसको ऑनलाइन कर देना। जस्ट लग गई समझ, कितना इजी प्रोसेस बता दिया तुम्हें। ये देखो इंपोर्ट का आ गया, सोर्सिंग का आ गया, ठीक है। इसको सोर्स करना, ये देख सकते हो टारगेट प्राइस है इसकी, तुम कितनी कर सकते हो, परचेज बल्क प्राइस है, ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। और टारगेट प्राइस इसकी US डॉलर, ये सारा कुछ हमने जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो सारी इसकी लगानी पड़ेगी गूगल इमेज के जरिए, ठीक है। हमें प्राइस इसकी कौन सी लेनी है, क्या नहीं लेनी है, सारा सोर्सिंग वगैरह हमें करनी पड़ेगी उस पर। अगर तुम इस तरह भी अन्य भी डाल दो ना, कोई मसले नहीं वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है यहाँ पे ना, ये प्रोडक्ट्स में जाके अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट की हो, यहाँ पे जाके इसकी ना किस तरह हमने वो प्राइस वगैरह एडिट करनी है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया हुआ है। इसको अन्य वहाँ भी कर देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे कि इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ बेस्ट वॉच, कुछ भी लिख देता हूँ यार। बाद में जाके हमने गूगल इमेज के जरिए इस जो वॉच है इसकी हमने सारी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी पिक्चर्स कॉपी कर लेनी है, इसकी प्राइस कॉपी कर लेनी है, ठीक है, सब कुछ कर लेना है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। अभी इसको हमने सिर्फ उसके साथ सोर्स किया है, लेक्चर हो गया कोई 10 से 20 मिनट का, लोग पहले ही पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और अगर मैं आधे घंटे से ज़्यादा की कर दूंगा फिर तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हमने ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि इससे सोर्स करके प्रोडक्ट की प्राइस कैसे ऐड करनी है और बेस्ट मार्जिन प्रॉफिट कैसे लेना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने बस यही सीखना था कि उसको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, उसके साथ शॉपिफाई के साथ, वो हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने, और वीडियो को पूरा वॉच किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।